friends welcome back to natural life दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्लास्टिक बोरी के बहुत ही अच्छे कमाल के काम आने वाले दो इस्तेमाल इस तरीके के प्लास्टिक बोरी अक्सर हमें दाल चावल या गेहूं में मिल जाती है और हम इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सके ऐसा हमें लगता है बेकार पड़ी होती है तो फेंकने का मन करता है सो तो आज के बाद आप कभी नहीं फेंकेंगे इसे क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इतने अच्छे कमाल के दो आइडिया जिसे आप एवरी यूज कर सकते हैं एक बार नहीं बार बार यूज कर सकते हैं तो आशा है कि आज का वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा

आपके पास जो भी बोरी है वो आपको लेनी है इस तरीके से कट कर लेना है और फिर नीचे देखिए हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे ट्वेंटी इंच पर इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं टोटल मार्किंग करके मैं आपको समझाऊंगी ये ट्वेंटी बाई एटीन इंच पर मैंने मार्किंग करी है और इसे हम कट कर लेंगे तो देखिए ये मैंने इसे कट कर लिया है अब इसके डबल हिस्से थे ये डबल था फैब्रिक तो मिडल से कट करके इसे दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे अब इस तरीके से मिडल से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मार्किंग करनी है ऊपर से मैंने टू इंच पर मार्क किया है और फिर से एक बार हम टू इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर मिडल में भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और जो मीच वाले थे जो मार्किंग उसे हम इस तरीके से शेप देंगे तो ये इस तरीके से शेप हो गया है अब इसे हमें कट कर लेना है अब देखिए ये इस तरीके का सेप लगेगा अगर आप में आपको इसमें कुछ चेंज करना है थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं अब मैंने एक कपड़ा ले लिया है आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर नया भी ले सकते हैं और इसके ऊपर हम इस तरीके से बोरी को रखेंगे और यहाँ पर जो सर्कल कट किया था इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे फिर बीच का जो फैब्रिक दिख रहा है उसे हमें कट करके निकाल देना है फिर हम छोटे छोटे नोचिस लगाएंगे नोचिस लगाने से जब हम इसे टर्न करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये टर्न हो जाएगा और इसका सेप अच्छे से आ जाएगा तो ये देखिए ये इस तरीके से हमें पलट लेना है और फिर इसके ऊपर भी हम एक सिलाई कर लेंगे तो ये एक इस तरीके से रेडी हो चुका अब इसके ऊपर की साइड पर हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर कोई एक और स्ट्रिप लगा कर पाइपिंग भी कर सकते हैं बाकी के अब जो तीन साइड है वहाँ पर भी हम सिलाई करके इसे अच्छे से फ़िक्स कर लेंगे सिलाई करने के बाद अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है तो उसे हम कट कर देंगे क्योंकि फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा ही लिया था ताकि अच्छे से हम सेट कर अब ये एक पीस रेडी है इसी तरीके से दूसरा रेडी कर लिया है मैंने अब इन दोनों की रॉन्ग साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और तीनों साइड हम सिलाई कर लेंगे अब इसे सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद भी हम यहाँ पर तीनों साइड पर सिलाई कर लेंगे ताकि इसके कोई भी रफ एजेस बाहर ना आए बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से इसे पैक कर सकते हैं बिना कोई ज़्यादा झंझट के है ना एकदम आसान और यूजफुल तरीका अब इसके जो कॉर्नर है वहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे टू इंच पर दोनों साइड से हमें मार्क करना है और यहाँ पर इस तरीके से एक स्क्वायर बनेगा अब इस स्क्वायर को हम कट कर लेंगे अब इसी स्क्वायर की हेल्प से हमें सेकंड साइड पर भी कट कर लेना है आप चाहे तो टू बाई टू इंच की मार्किंग भी कर सकते हैं नहीं तो इस तरीके से आप यहाँ पर कट कर लीजिए अब इस कॉर्नर को इस तरीके से हम टर्न करेंगे इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करनी है तो ये देखिए ये मैंने सिलाई कर ली एक और सिलाई कर ली ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए सेम इसी तरीके से हम सेकंड साइड पर भी सिलाई कर लेंगे और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे अब ये देखिए ये इस तरीके से रेडी है अब इसे हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं अंदर प्लास्टिक बोरी है तो बहुत ही अच्छे से इसके कॉर्नर निकलेंगे और बहुत ही ज़्यादा ये एकदम कड़क खड़ी रहेगी तो ये देखिए हमारे शॉपिंग बैग बनकर रेडी है बहुत ही सुंदर लग रही है और आप इसका एवरीडे यूज कर सकते हैं अलग अलग अपने काम के हिसाब से लग रही है ना बहुत ज्यादा सुंदर कौन कह सकता है कि ये हमने प्लास्टिक बोरी से बनाई है अब आती है नेक्स्ट आइडिया की बारी तो उसके लिए भी मैंने एक प्लास्टिक की बोरी ली हुई है और इसका भी जो सिलाई किया हुआ नीचे का हिस्सा है उसे हम कट करके निकाल देंगे अब इसे साइड से भी हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद मैंने इसमें से एक हिस्सा अलग से कट कर लिया है और इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने थर्टी फोर बाय इंच का ये पूरा जो बोरी का हिस्सा लिया हुआ है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस मेज़रमेंट का कट कर लेना है और फिर इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है एक बार फोल्ड करेंगे उसके बाद और एक बार फोल्ड करना है यानी कि हम इसे डबल फोल्ड करेंगे फोर लेयर्स में हमें रखना है इसे तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर ये यह हमारी फोर लेयर्स है ये इसकी जो ओपन साइड है वो है अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे तो मैंने यहाँ पर देखिए पहले नाइन इंच पर मार्क किया है उसके बाद हम फिर से सेकंड साइड पर भी नाइन इंच पर मार्क करेंगे अब इन दोनों मार्किंग को इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ कॉर्नर पर एक स्क्वायर बनेगा अब इसे हम कट करके निकाल देंगे तो ये देखिए ये मैंने इसे कट कर लिया है अब जो ये मिडल का हिस्सा है उसका इस तरीके का एक शेप बनेगा अब ये जो शेप है इसी तरीके से हमें कपड़े पर भी कटिंग करनी है तो ये देखिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है और कपड़े के ऊपर इस पीस को रखा है और यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे मैंने एकदम फिक्स कट नहीं किया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है और यहाँ पर कट करने के बाद मैंने पिन को लगा ली थी पिन लगाने के बाद हम इसे स्टिचिंग करेंगे अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेप्ट पिन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर सेप्ट पिन या फिर पिन लगा कर सिलाई करेंगे तो बहुत ईजिली होगी नहीं तो क्या है कि ये प्लास्टिक बोरी थोड़ी सी हिल जाती है तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है मैंने यहाँ पर अस्तर का इस्तेमाल नहीं किया है आगे शॉपिंग बैग में भी नहीं किया था और यहाँ पर भी नहीं किया है आप चाहें तो कर सकते हैं तो ये देखिए सभी साइड से मैंने सिलाई कर ली एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर लिया अब इसके जो कॉर्नर है वहाँ पर हम इस तरीके से एक कट लगाएंगे नोचिस लगाएंगे यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए तो ये मैंने इसे अब इस तरीके से पलट लिया है तो पलटने से हमने जो नोचिस लगाए थे ना उसकी वजह से यहाँ पर देखिए एकदम मस्त से इसके कॉर्नर निकलते हैं और यहाँ पर एकदम अच्छे से फिनिशिंग आती है अब एक साइड जो मैंने ओपन रखी थी तो वहाँ से हम इस तरीके से इसे पलटने के बाद इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे तो ये देखिए ये पूरा हिस्सा मेरा रेडी है मैंने इसके अंदर ऊपर क्विल्ट नहीं बनाए हैं आप चाहें तो क्विल्ट भी बना सकते हैं अब देखिए इस तरीके से इसके जो कॉर्नर थे वहाँ पर हम दोनों साइड पकड़ कर इसे सिलाई करेंगे तो सभी कॉर्नर को इस तरीके से हमें पकड़कर कर सभी पर सिलाई कर लेनी है तो मैं आपको मशीन चलाकर भी एक बार दिखाई देती हूँ यहाँ पर हमने ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया है अस्तर की नहीं लिया है तो मेरा तो ईज़िली मशीन चल जाता है और बहुत सारे लोग क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड की ये कमेंट होती है कि कौन से नंबर की नीडल यूज़ करें तो मैंने तो यहाँ पर नॉर्मली सिक्सटीन नंबर की ही नीडल का इस्तेमाल किया है तो आप भी सिक्सटीन नंबर की नीडल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए सेम तरीके से मैंने सभी कॉर्नर को इस तरीके से सिलाई करके ज्वाइंट कर लिया है अब इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद भी इसके कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ के मैं थोड़ा सा सेप दे दूँगी सेप देने के बाद हमें यहाँ पर हाफ इंच पर आ, मतलब जो सिलाई है उसे अंदर दबाते हुए इस तरीके से थोड़ी सी सिलाई करनी है ये मैं नीचे तक एकदम नहीं लेकर जाऊंगी क्रॉस में हम सिलाई को उतार लेंगे तो देखिए इस तरीके से हम सभी कॉर्नर पर सिलाई कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये प्लास्टिक का है तो जोंक नहीं लेगा ऊपर से और अच्छी फिनिशिंग आएगी अब मैंने एक स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से मैंने अंदर की साइड प्लास्टिक कपड़े के अंदर अटैच करके फ़ोल्ड कर लिया है एलेवन इंच की मैंने ये ली है आप अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं और फिर मैंने इसे यहां पर आगे की साइड अटैच कर लिया है तो ये हमारा एक हैंडल बन गया और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा और वेरी यूजफुल ऑर्गेनाइज़र रेडी है मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ सर्दियों के कपड़े स्टोर करके रख रही हूँ आप अपने हिसाब से इसके अंदर बेड शीट साड़ियाँ या और कोई भी कपड़ों को ऐड करना चाहते हैं स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं इसे आप अलमारी में रखेंगे तो ये इस तरीके से हैंडल से आप इजीली इसे बाहर और अंदर भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और एकदम नो कॉस्ट ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है So आशा करती हूँ आज के दोनों आइडिया आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए यूजफुल होंगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत